जय भीम दोस्तों, मुझे मराठी नहीं आती तो मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरी मराठी बहुत गंदी है। सबसे पहले तो बाला साहब को जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे लिखते रहें, ऐसे और हमें मार्गदर्शन देते रहें। मैं मार्गदर्शन के लायक नहीं हूं, मुझे मतलब मैं तो खुद ही सीख रहा हूं, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस मैं अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, कैसे मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस वक्त। मतलब अगर कम्युनिटी की बात करें, अगर उसकी बात करें तो कहां हम लोग कहां पहुंचे हैं, उस बात पे थोड़ा सा प्रकाश जाना चाहूंगा। मैं बचपन से, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं दलित वर्ग से हूं और इंडस्ट्री में आया हूं। मतलब मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने MBA किया, मैंने बहुत बड़े कंपनीज में काम किया, ब्रांड मैनेजर रह चुका हूं काफी जगह, और वहां से सफर किया। फिर एक दिन सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के फिल्मों में घुसना है, तो फिल्मों के बारे में लिखना भी शुरू किया था। और फिर एक दिन मैंने रिजाइन कर दिया कंपनी से एंड मैं अनुराग प्रसिद्धि से जुड़ा, और वहां मैंने बतौर असिस्टेंट काफी कुछ सीखा, और वहां बनारस से अवगत हुआ, और वहां पे कहीं एक था, एक मसान की नींव गड़ी थी, तो मैंने एक हल्की सी स्टोरी लिखी थी जो उस वक्त थोड़ी सी मतलब पुराने ख्याल की थी। फिर जब वरुण साथ जुड़ा, तब वरुण ग्रोवर जो हमारे जो फिल्म के राइटर हैं, वो जब साथ जुड़े तो हम लोगों ने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई, फिर उसने स्क्रीन पे लिखा। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तब तक मैंने अपने बारे में किसी को नहीं बताया था। वरुण ग्रोवर जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसे भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे उसे बताने में भी बड़ा पता नहीं डर सा था, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शायद मैं इस वक्त तो एक्नॉलेज एक ही पर्सन हूं जो बोल रहा हूं, और ये बहुत बड़ा भय है। और मैं अपने करीबी दोस्तों को भी इंडस्ट्री में बता नहीं पाया था, और एक ट्वीट के माध्यम से कुछ एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था, तो उसके हिसाब से मैंने फिर फाइनली पब्लिक लाइफ में बोला कि मैं दलित वर्ग से हूं। लेकिन आपको ये बताऊं कि जब मसान में बना रहा था मैं बनारस में, और जितने वहां के लोग थे वो इतना मुझे हेल्प कर रहे थे, और वे सारे ब्राह्मण थे, और मुझे हर बार तो इतना डर लगता था कि पता नहीं इन लोगों को पता लगे तो शायद इनको मदद ना करें, पता नहीं क्या हो। और वो डर इतना था, किसी तरह आगे बढ़ी है जिंदगी, अभी काफी कुछ फिल्में बना चुका हूं, मतलब दूसरी फिल्म नहीं बना पाया हूं उसका एक खेद है। एक जो चीज है जो मैं समझा हूं, जो शायद आप लोग भी इस चीज से रिलेट कर पाए, कि मैं बहुत बार जैसे मसान के सक्सेस को ओन नहीं कर पा रहा था। कैन अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, फिल्मफेयर अवार्ड मिला, कई सारे अवार्ड मिले, लेकिन हर बार जब अवार्ड मिलता था मुझे अपने आप पे मतलब मैं लगता था कि नहीं, शायद क्यों लोग मैं नहीं जाता हूं। जब लोग तारीफ करने लग जाते थे मैं भाग जाता था। जितनी भी पार्टियां होती थी वहां पे लोग शुरू करते थे कि मसान, ओ माय गॉड, ये वो, फिर मैं वहां से भाग जाता था और मैं खुद के बारे में प्रेज ले ही नहीं पा रहा था। तो इसी के चलते मैं काफी कुछ मतलब अपने आप को सबसे दूर रखा हूं, सबसे वो रखा हूं। तो मुझे हाल ही में, और ये भी होता है कि जब मैं फिल्म सेट पे जा रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं यहां, मुझे आता नहीं कुछ, मैं सब मेरा गलत है, मुझे कुछ, मैं टैलेंटेड नहीं हूं। तो मुझे हाल ही में पता लगा है कि जो मार्जिनलाइज आइडेंटिटीज होती हैं, चाहे वो अमेरिका में ब्लैक पॉपुलेशन हो या हम लोग यहाँ पे, या काफी सारे जो एक वंचित बैकग्राउंड से आते हैं और वो अचीवर्स बन जाते हैं लाइफ में, उनको एक चीज हो जाती है जो कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें आप अपने आप को ही बोल देते हैं कि आप जो ये, आपको ये जो ख्याति मिली है, आप जो ऊपर आए हैं, ये एक छलावा है, आप एक्चुअली में टैलेंटेड नहीं है। आपका माइंड आपको कन्विंस कर देता है कि आप टैलेंटेड नहीं है, तो इसके चलते आपको इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि आप किसी के सामने खुल के नहीं बात कर पाते। तो इसके बारे में काफी साइंस, काफी रिसर्च हो रही है। तो ये एक है जो कुछ लोग यहाँ जो काफी ख्याति पा चुके हैं वो यकीन करें कि आप में सच में टैलेंट है, और आपका मन कहीं कहीं आपको बोलता रहेगा, उसको मन मत सुनिए, मैं तो यही कहता हूं। और रही बात अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, तो मेरी एक कोशिश हो रही है कि शायद मैं कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाऊं, कुछ ले आऊं। हाँ, उसमें कुछ कुछ जगह मुझे गालियां भी पड़ती हैं। जैसे एक बार मैंने किया था कि मैंने कम्युनिटी के लोगों के लिए मैंने बोला कि
असिस्टेंट्स एंड एक्टर्स को मैंने एक ट्विटर पे एक कैंपेन शुरू किया था कि मुझे अगर लोग हैं तो मुझे लिखें, तो मुझे कास्टिस बोला गया और मुंबई पुलिस को टैग किया गया कि मुझे अरेस्ट किया जाए। एंड तो वहां तक है कि मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि कास्टिस तो दूर की बात है, उन्हें कास्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मतलब जेन्युइनली नहीं है, क्योंकि यहां पे एक ही चीज है क्लास, जो उनको क्लास ही समझ में आता है, कास्ट की कोई भी नुआंसेस नहीं समझ में आती है। तो उसके चलते क्या हुआ है कि आप देखेंगे 50-60 वर्ष के जो हिंदी फिल्म सिनेमा का इतिहास रह चुका है, उसमें गिने चुने 10-12 फिल्में बनी हैं कास्ट के ऊपर, और वो भी बनाई हैं सवर्णों के साथ, ठीक है। तो इस विषय पे मैं हर जगह बहुत बात करता हूं, और एक एग्जांपल मैं हर जगह बोलता हूं कि किसी भी पैनल डिस्कशन में ये पूछता हूं लोगों से कि अगर आपको मैं बोलूं कि कोई आप ब्लैक आर्टिस्ट के बारे में बताएं, कोई नाम गिनाए, तो लोग बहुत बोलते हैं माइकल जैक्सन, बियॉन्से या जॉर्डन पील, विटनी ह्यूस्टन, विल स्मिथ, हजार नाम आते हैं, ठीक है। और अगर भारत में मैं पूछूं कि अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको मैं किसी दलित का नाम या किसी आदिवासी का नाम लेने को बोलूं, तो आपके पास एक भी नाम नहीं है, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, लिटरली एक भी नाम नहीं है। और आप देखें तो ब्लैक पॉपुलेशन अमेरिका 13% है, और हमारे यहाँ पे आदिवासी और दलित पॉपुलेशन 25%, आई मीन सेंसस के हिसाब से। तो आप देखिए कि पूरे एक समाज को कैसे गायब कर दिया गया है इंडस्ट्री में। मेरी एक छोटी मोटी कोशिश रही है, मैं कुछ कुछ कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से सीख रहा हूँ, मुझे पारंजीत से और नागराज मंजरे से काफी इंस्पिरेशन मिलता है, हम लोग आपस में बात करते हैं, हम लोग आपस में सीखते हैं कि आप कैसे बढ़ाएं, क्या करें, ठीक है। और वो ये कोशिश है किसी तरह एक बढ़ाएं और प्रोत्साहन दें कि भाई और भी लोग हैं और हम सभी सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को चाहता है नहीं आता है। और मेरी कोशिश जारी रहेगी कि बाबा साहब ने जो शायद सिद्धांत हमारे सामने खड़े किए, जिसकी वजह से शायद हम यहाँ इस मंच पे भी खड़े हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, वो आगे बढ़े और हम सब उसका सबके हिस्सेदार बने। थैंक यू। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।